ओपन सेक्सुअल कल्चर की वजह से कौन सी डिजीज पैदा होती है? तो पहले तो ऑब्वियस बात है, सेक्सुअल डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वेनेरल डिजीजेस, ऐसे कल्चर्स में, ऐसी कंट्रीज में जहां इस तरह का ओपन सेक्सुअल एनवायरनमेंट है, वहां पे ये सारी के सारे इंक्लूडिंग एड्स एंड एचआईवी ये सब कॉमन होते हैं। टू द एक्सटेंट कि अमेरिका की मोर देन 1/3 पॉपुलेशन, यानी कि 31 करोड़ की पॉपुलेशन में से 11 करोड़ को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, जो पब्लिसाइज फैक्ट नहीं होता, एक अलार्मिंग बात है। लेकिन ये फैक्ट हमें कहां से मिलता है? ये फैक्ट हमें सीडीसी से मिलता है, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो अमेरिकन गवर्नमेंट बॉडी है। cdc.gov की वेबसाइट पे जाए, कोई इंसान खुद की आंखों से पढ़ सकता है ये सारी स्टैटिस्टिक्स के 11 करोड़ के करीब लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो चुके हैं। एंड नॉट ओनली दैट, हर साल 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ और ऐड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट। उसमें से हम देखते हैं कि एड्स कितने सारे लोगों को है, 6,36,000 लोग ऑलरेडी एड्स से मर चुके हैं, और 11.5 लाख ऐसे लोग हैं जो एचआईवी पॉजिटिव है, जिनमें तकरीबन 50,000 लोग हर साल ऐड होते जा रहे हैं विथ ऑल ड्यू प्रिकॉशंस, ये हो रहा है। तो ये एक अल्लाह की तरफ से सजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात के ताल्लुक से वार्निंग दी थी, मुस्नद अहमद की सही हदीस है, जब किसी जमाने में किसी सोसाइटी में ऑब्सिनिटी जाहिर होगी तो वहां अल्लाह ताला मौत और डिजीजेस को भेजेगा। तो हम ये देखते हैं कि सही हदीसों से ये बात मिलती है, और यही हुआ, यही एंड रिजल्ट आया है।